तो स्वागत है दोस्तों आपका टेक जाधव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम यूट्यूब पे अपना चैनल तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन स्टार्टिंग में अर्निंग अगर नहीं होती है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमको कुछ इनकम चाहिए, तो हमको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल लीगल तरीका है और आप अपने चैनल के साथ कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, कमाते भी हैं। अगर आप ये काम करते हो ना तो यहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो क्या है ये दोस्तों, प्लान क्या है, यहाँ पे ट्रिक्स पूरी बातें इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आप लोगों को तो पता ही है 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तब तो जाके चैनल मोनेटाइज होगा। तो ये हमको पूरा करने में लगभग 7 से 8 महीने लग जाते हैं अगर सिंपली हम काम करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों उससे पहले अगर हमको कुछ अर्निंग करनी है तो यहाँ पे कुछ तरीकों के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में हम दो तरीकों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। दोनों तरीकों से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आइए मैं पहला तरीका यहाँ पे बात करूंगा, उसके बाद फिर दूसरे के बारे में बात करूंगा। जो पहला तरीका है यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपको क्या करना होगा, अमेजन और फ्लिपकार्ट, ठीक है। इस पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो इस पे एक अफिलिएट प्रोग्राम चलता है जिस पे जाके आप अगर अफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, दोनों पे कर लीजिएगा, यहाँ पे अफिलिएट अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, जैसे आप वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, जो वीडियो आपकी चल रही है हर वीडियो में आपको क्या करना होगा, जैसे आप लोग देखते भी होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है कि माई प्रोडक्ट, मतलब कुछ प्रोडक्ट नीचे लिंक दिया रहता है, 3-4-5 प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देना होगा, जो भी मतलब अमेजन के और यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट के कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप अपने माइक का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, ट्राइपॉड का दे सकते हैं, लाइट का दे सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का दे सकते हैं, अपने कैमरे का दे सकते हैं, अपने मोबाइल का दे सकते हैं, मतलब 4-5 यहाँ पे आप यहाँ पे लिंक आसानी से दे दीजिए वहाँ पे। उसके बाद होगा क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर उस आपके डिस्क्रिप्शन में जाता है, अक्सर लोग जाते हैं कि जानना चाहते हैं कि आप यूट्यूबर हैं तो आप अपने साथ कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, सब लोग इच्छुक होते हैं जानने के लिए। आपके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे लिंक मिलेगी, तो अगर वो लिंक पे क्लिक करके जाके प्रोडक्ट बाई करते हैं, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोडक्ट बाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपका परसेंटेज बनता है जो सामान वो खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए 1000 का सामान है तो उस पर कुछ आपका मार्जिन बनेगा, 10% 15% ऐसे बनता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर वो लिंक के थ्रू अमेजन पर चले गए और आपका जो प्रोडक्ट वहाँ पर लिंक में दिया गया था वो नहीं खरीदें, कोई और खरीदें, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको यहाँ पे आपका मार्जिन बनेगा, आपका पेमेंट बनेगा, क्योंकि आपके लिंक के थ्रू गए हैं तो यहाँ पे 24 घंटे के लिए आपका जो अफिलिएट अकाउंट है उनके साथ यहाँ पे लॉगिन हो जाता है 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे के अंदर अगर वो कुछ भी खरीदेंगे तो मार्जिन आपको मिलेगा, इतना अच्छा यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर लोग अर्निंग भी करते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अगर अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे अकाउंट अफिलिएट वाला बनाया जाता है, मैं अगली वीडियो बना के बता दूंगा, उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आए दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है स्पॉन्सरशिप, ठीक है। होता है क्या है, जैसे आप लोगों को पता होगा मार्केट में नई नई एप्लीकेशन आती हैं और नई नई वेबसाइट आती हैं जो अपने को लॉन्च कराने के लिए तरह तरह की स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो यहाँ पे अगर उनके कंपनी के बारे में, उनके एप्लीकेशन के बारे में आप वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के आपको कुछ पैसे देती हैं, तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने चैनल की अबाउट में जाके बिजनेस ईमेल आईडी लिखकर और वहां पे अपना ईमेल दे देना होगा, ताकि अगला कोई स्पॉन्सर करवाना चाहता है तो आपके ईमेल के थ्रू आपके पास तक आ जाए और आपको स्पॉन्सर वीडियो के लिए वो बता सके, ठीक है, ये कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो यहां पे अगर जो कुछ नई एप्लीकेशन आती हैं तो प्ले स्टोर में आप जाके चेक कर सकते हैं और देखें, मतलब यूट्यूब पे कि ये लोग स्पॉन्सरशिप करवा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर लोग इनके बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो प्ले स्टोर में जाके जो ऐप हैं उनमें यहाँ पे डेवलपर का जीमेल वगैरह दिया रहता है, तो उनको आप इधर से ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपका वीडियो बनाना चाहता हूँ आपके ऐप के बारे में, क्या आप स्पॉन्सर करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से स्पॉन्सर आप पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने दो तरीका बताया, एक स्पॉन्सरशिप का, एक अफिलिएट मार्केटिंग का। दोनों तरीका अच्छा है यहाँ पे यूट्यूब से अर्निंग करने का, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो, ठीक है, इस तरह से आप स्पॉन्सरशिप पा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप के लिए आपको क्या करना होगा, स्पॉन्सरशिप के लिए जैसे अगर कोई भी वेबसाइट वाला है आपके जान पहचान का ऐप वाला है तो उनसे भी बात करके आप कर सकते हैं, या कोई मतलब
ऐप वगैरह जो पॉपुलर हो रही है, ठीक है, उनके बारे में अगर आपको बताना है तो उनके डेवलपर वगैरह से बात कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको करना होगा, ऐप के मतलब अबाउट सेक्शन में दिया रहता है नीचे, और पूरा उनका डिटेल वगैरह जिसमें मेल वगैरह रहता है, जिस पर आप मेल करके कुछ यहाँ पे इस तरह से अपने तरफ से ऑफर दे सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाए और वीडियो आप बना सकें आसानी से, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग और यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के मदद से कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको दोनों तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।